आज तुम्हारे अंदर एक भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, लेकिन लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें जितना चाहिए उससे तुम्हारे पास में कुछ ज्यादा होगा। उस समय तुम किसी भूखे की, गरीब की मदद कर देना। सर मैं आपको बताऊं, 2012 से लेकर अब तक मैं रुका नहीं हूँ। जो बच्चे जानते हैं सबको पता होगा, हमने जो गुरुकुल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, लाइब्रेरीज स्थापित की, एम्बुलेंसेज जो चलाई, मतलब राजस्थान मुझे लगता है आज की तारीख में मुझे लोग एंटरप्रेन्योर से ज्यादा एक सेवाभावी व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। स्वागत आपका हमारे एक और नए वीडियो। गाइस अभी इस समय हम चल रहे हैं कच क्लासेस चल रहे हैं और हमारे साथ खुल रहा है उसी का सेमिनार है, वही लोग अटेंड करने जा रहे हैं। ये हमारे साथ नए ब्लॉगर हैं जो आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमको। हेलो गाइस, मैं स्टूडेंट का ब्लॉगर जैसा कि आप मुझे जानते हैं, और ये हमारे साथ नए यूट्यूबर हैं, ये अपना इंट्रोड्यूस दे रहे हैं। मेरा नाम विजय गुप्ता है और मेरे चैनल का नाम विजय गुप्ता संदीप है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ये मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली हुई है, तो जाएंगे सपोर्ट करें। बस चलिए और आगे आप लोगों से मिलते हैं और चीज़ बताते हैं। तो फाइनली गाइस हम कटरा ब्रांच पे पहुंच गए हैं। ये रहा आपका जो उत्कर्ष क्लासेस, जहां मिलने वाले, हाँ आप जान ही रहे हो, जहां मिलने वाले हैं डॉक्टर गहलोत सर से, डॉक्टर निर्मल गहलोत और गौरव कुमार गौरव से, जिसे आज यूट्यूब की दुनिया में कौन नहीं जानता, जिसे यूट्यूब का बादशाह कह ले, यूट्यूब का किंग कह ले। और डॉक्टर गहलोत, डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के बारे में मैं आपसे गाइस क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने महेश्वरी सरकार को सुना और उनकी, मतलब उनके बारे में जाना और उनकी जो, मतलब उन्होंने जितने काम किए हैं, इतने ऐसे ऐसे काम किए ना भाई कि आप मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझे बहुत ज़्यादा आज अच्छा मौका मिला उनसे मिलने का। और गाइस फिर चलिए मैं आपको भी उन्हें दिखाती हूँ और फिर हम और आप मिलके दोनों कुछ सीखते हैं और उनके थॉट जानते हैं, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया, उनके मुँह से खुद वो आएंगे और बताएंगे। तो चलिए फाइनली हम सब उनका वेट कर रहे हैं, डॉक्टर गहलोत सर के आने का और कुमार गौरव को आने का। डॉक्टर निर्मल गहलोत की लगन, प्रतिबद्धता व शैक्षिक नवाचारों की समझ के कारण आज उत्कर्ष क्लासेस देश के शीर्ष संस्थानों में गिना जाता है। यहाँ UPSC, NEET, JEE, राज्य स्तर की प्रशासनिक व अन्य कई स्तर की परीक्षाओं से जुड़े 650 से अधिक कोर्सेज ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाए जाते हैं। उत्कर्ष स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग छाप छोड़ चुका है। डॉक्टर निर्मल गहलोत द्वारा 2002 में स्थापित उत्कर्ष क्लासेस अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और श्रेष्ठ परिणाम के लिए जाना जाता है, जहां हर परीक्षा के डिग्री के लिए श्रेष्ठ अकेडमिक व मैनेजमेंट टीम, 1500 से अधिक कंपनी एसोसिएट्स, फैकल्टी मेंबर्स रात दिन परिश्रम कर विद्यार्थियों के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं। आज उत्कर्ष राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। सर जो शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं वो उत्कृष्ट है ही, लेकिन जो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य आप निभा रहे हैं उनके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उत्कर्ष अपने सामाजिक सरोकारों के लिए भी देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। डॉक्टर निर्मल गहलोत के 44वें जन्म दिवस पर स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए 44 वाहनों के वितरण की बात हो या कई अवसरों पर रक्तदान शिविरों के आयोजन की बात हो या श्रमिक वर्ग के लिए 2 करोड़ स्वरोजगार की निर्मल आत्मनिर्भर ऋण योजना हो, उत्कर्ष सदैव सेवा भाव से तत्पर रहा है। कोरोना काल में भारत का पहला ब्रेड बैंक स्थापित कर डॉक्टर गहलोत ने देश भर में सराहना पाई थी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में डॉक्टर गहलोत ने राजस्थान के प्रतिभाशाली छात्राओं को 1000 टैबलेट व ऑनलाइन कोर्सेज निःशुल्क बांटे थे। श्री कृष्णा स्वाध्याय केंद्र की स्थापना, उत्कर्ष गुरुकुल की स्थापना, शिक्षा रथ की शुरुआत भी समाज सेवा क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। जोधपुर स्थित MGM हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधाओं में उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट का निर्माण करवाया, जहां ग्रामीण क्षेत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के दिल का ऑपरेशन कर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई। सबसे बड़ी बात है फ्री ऑपरेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी सेवा हमारे लिए दी इन्होंने, हम उसको आशीष देते, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। इस नव निर्मित उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट में समय समय पर देश के कई प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी है। इसका हालिया उदाहरण है मिडकेयर तकनीक से हुई बाईपास सर्जरी का डिजिटल ऑपरेशन जो सफल रहा। और आगे बात की जाए तो राजस्थान के सरकारी विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम जैसे कई सामाजिक सरोकार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सदैव याद रखे जाएंगे। इसके अलावा भी डॉक्टर गहलोत ने अनेक संस्थाओं को विशेष अवसरों पर करोड़ों रुपए का सहयोग कर एक मिसाल कायम की है। हम सबको ईश्वर ने यहाँ पे रोल निभाने के लिए भेजा है, पारी खेलने के लिए भेजा है, और वो रोल निभा के वो पारी खेल के वापस समय लौट जाना है। और जब हम लौटे ना, तो लौटते समय जब हम पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी को देखें तो खुशी के आंसू जो है उस समय आपके आए, दुख के पश्चाताप के वो आंसू आपको नहीं आए। जब आप यहाँ से विदा हो तो देवता लोग जब आप पारी समाप्त करके जब जाओ अपना बैट लेके और मुस्कुराते हुए शतक मार के, तो सारे देवता लोग जो है जम के ताली बजाएं, वाह सपासी दे बंदा क्या गजब खेल गया है। ना संघर्ष ना तकलीफ, बड़े बड़े तूफान समझा गए जवाब नहीं हो दिखाई दिया आपको, मतलब कि 20 वर्ष तक इस फील्ड में रहने के बाद आपके बीच में उत्कर्ष के संस्थापक मेरे बंपर से डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का जोरदार तालियों से स्वागत है।
कोई बात नहीं वापस आप फिर से अच्छी अच्छी बातें लेके जाने हैं। पीछे वालों को बेचारों को पता ही नहीं चलता है प्रश्न पूछा गया। दिनचर्या सुनना, इसका टाइम टेबल सुनना। रोजाना सुबह 3 बजे उठना, 3:30 बजे तक सब्जी मंडी पहुंचना, ताजी सब्जियों को खरीदना, खरीद के उसको मालिक के पास में लेके आना, पार्क के सामने जो लगी हुई थड़ी वहां पर फिर जो सुबह सुबह प्रातःकालीन भ्रमण पाते हैं उनके लिए जूस बनाना, गाजर के जूस वगैरह अलग अलग लौकी के जूस होते हैं ना अपने पार्क के सामने देखे वहां पे वो जूस बनाना। 10 बजे तक सामान्यतः पार्किंग में लोग आते हैं, पार्क में लोग आते हैं वॉकिंग करने के लिए, 10 बजे तक वहां पे रहता, फिर वापस घर जाता, घर जाके वो 1-1.5 घंटा सोता, सोने के बाद में वापस उठ के अपना खाना खा के कुछ रिविजन करके 2 बजे के बैच में पढ़ने के लिए आता, शाम को 7 बजे तक वापस हमारा 7:30 बैच उठता, 8 बजे तक घर लेके पहुंचता, घर पे फिर खाना खा के बना के 9 बजे तक सोता, 9 से 10, 10:30 बजे तक फिर सेल्फ स्टडी करता। दिन में 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी किया, रेगुलर 5-6 घंटा पढ़ाई भी किया और उसके बाद में रिजल्ट निकाल के बताया। ये सक्सेस स्टोरी है, समझ रहे हैं? ये अगर सक्सेस स्टोरी आपको समझ में आती है तो इस बंदे के लिए भवानी सिंह का इसमें बताया ऐसी एक ताली दिल से होनी चाहिए कि उसको काम करना चाहिए। यूट्यूब की धरती पे उतारा था, कॉन्टेंट राइटर था, पढ़ने के लिए आया था आरबीसी मेंस की तैयारी करने के लिए, और कॉन्टेंट राइटर इसका कोई दोस्त था, वो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट था, समझ रहे हैं? और वो 4-5 बार बोला मेरा दोस्त है लेके आ कई बातें को दिल से जो बात होती है ना, मतलब एक गर्व जिसके ऊपर होता है ना एकदम बच्चे की तरह गर्व, वो एक और बड़ी बात होती है। इसके पिताजी आए थे ना, कहा आपको गोद दे दिया जो तुम्हें आपके पास लेके इसलिए कंटेंट राइटर था, इन दो बार मैंने इसको एक दो बैच के अंदर को टीचर अचानक से नहीं थे तो उन्होंने कहा जाके कुछ प्रश्न वगैरह सॉल्व कराओ और वो वीडियो मैंने मुझे लगा क्या कभी कभी जो है ना जरूर पढ़ने पर मतलब इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। ऐसा ही हुआ, दिवाली का लेके वक्त था, दिवाली वक्त था जिसके पहले वाला जो टीचर था एग्रीमेंट उस जमाने में करते नहीं थे, रातों रात हिसाब लेके गायब हो गए, दिवाली के बाद हमें पता चला कि हेरी नहीं लेके, अब इनको हम दिवाली बात बोले कि तुम्हें यूट्यूब पे जाना है, कोई नाम उनको कुछ भी नहीं होता, सर ने आदेश दे दिया है मतलब पालन कर लिया, क्या होगा कैसे होगा मतलब इन्हीं बातों का ध्यान देना, ऐसे से लेके करना है, पूरी शिद्दत के साथ में कक्षाएं लेके पूरी तैयारी के साथ लेके, बच्चा होता है कमेंट करके ये नहीं मुझे तो वही टीचर चाहिए उसकी पहली क्लास के देखना तुम कमेंट्स देखना, कमेंट्स उसके अंदर आपको बहुत कम मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, कमेंट्स बहुत कम मिलेंगे क्योंकि उस दिन और उसके बाद जो कमेंट देना 7 दिन तक एक दिन को लगा दिया था, इसका डिप्रेशन नहीं आना, परेशानी होना चाहिए, जो निगेटिव कमेंट है हटा दे ज्यादा करा उसका ब्लॉग देख कर ले, उसका यूट्यूब चैनल भी देख पाया, ऐसा लेकर परेशान कर रहा है और पहले दिन वाली क्लास लेके देखना, अब की लेके क्लास लेके देखना, तो लगातार जो है यूट्यूब के ऊपर ही पहली बार लेके उतारा, समझ रहे? उत्कर्ष के अंदर ही पहला प्रयोग हुआ है और जब सेवानिवृत्ति का समय आएगा ना तो ढोल नगाड़े के साथ में उत्कर्ष से सेवा निवृत्त करेंगे, इसके बाद ऑनलाइन पढ़िए, देश पढ़ रहा है, पूरा देश पढ़ रहा है, आप भी लेके ऑनलाइन कॉन्फिडेंस अपना पाएगा, एकाग्रता अपना पाएगी, शांत आप अपना होने लगोगे, बात मेडिटेशन करके किसी को अच्छा लगा से बताना, पक्का पक्का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने इतना सहयोग किया और हमारा बढ़ने का आप सभी को प्रसन्न रखे, सदा आपको सुखी रखे, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। तो फाइनली अपन निकल आए हैं बाहर और तो ये देख रहे हैं कि ब्रांच ओपन हुआ है, ये देखिए आपको दिखाते हैं डायरेक्ट। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि मेरा सेमिनार बिल्कुल हो नहीं पाएगा, तो वैसे थैंक यू मैं इनको बोलना चाहूँगी अपनी वीडियो के थ्रू, इनकी वजह से मुझे सेमिनार में जाने का मौका मिला, और जो क्या थे और क्या मतलब हमारे साथ ही रही तभी जा पाई, अदरवाइज इन्होंने मैं वहाँ पर रोक लिया था, तो बाउंसर मुझे तो बाउंसर ने मुझे रोक लिया था, फिर इन्होंने मुझे बुलाया कि आओ, फिर मुझे इनका जाने का मौका मिला, तो थैंक यू, अगर ये ना होते तो मैं अंदर नहीं जा पाती, और इसलिए इनके चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करना, अगर टाइप करेंगे तो पहला ही मिला है, हाँ फोटो भी जाता है, बहुत अच्छे हैं ये, मुझे भी काफी मिले, बहुत अच्छा लगा, प्लीज इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।